सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के आज आपने बहुत सारे किरदार देखे हैं जो एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर को लेके जो बनी गई बनाई जा रही है, मगर इसमें क्या है कि ये फिल्म ग्लैमराइज नहीं करती है, यू नो, ग्लोरी नहीं देती है उस अंडरवर्ल्ड इंसान को. ये फिल्म उन किरदारों की है जैसे कि इरफान, हुमा, मैं, जो कराची में जाते हैं टू गेट इंडियाज मोस्ट वांटेड मैन बैक, और ये इन लोगों की कहानी है. इस फिल्म के अंदर पहली बार किस तरह से इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑपरेट करती हैं उसका बहुत डिटेल्ड आपको उसका ड्रामा समझ में आएगा इस फिल्म के अंदर. लाइक यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पूरी नहीं बताऊँगा लेकिन थोड़ा सा उसका टीजर मैं आपको देता हूँ कि कैसे एक ऐड प्लेस किया जाता है किसी न्यूज़पेपर के अंदर. मुझे यहाँ के ऑफिसर को, यहाँ के बॉस को, वहाँ जो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो कैसे भेजेंगे, कोई मेल नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है कि कुछ टैप हो, तो पेपर में कोई ऐड दिया गया. अब उस पेपर के ऐड से कैसे डिकोड की जाती हैं चीज़ें, तो इस तरह की डिटेलिंग बहुत है. किस तरह से रियल लोग वहाँ सर्वाइव करते हैं, जैसे मेरा कैरेक्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो यहाँ भेजता है. It is about terrorism, it is about going to bring back India's most wanted man. Espionage thriller hai, spy thriller hai, ye tino jo hai, plus Akash Dahiya jo spy, they are playing spies, they are playing raw agents. Jis tarah se aap CIA, FBI, Mossad, KGB ke bare mein sune, they are playing raw agents. To अंडरवर्ल्ड का जो आप कह रहे हो कि बाकी सारी फिल्म अंडरवर्ल्ड में बनी, ये फिल्म अंडरवर्ल्ड में बिल्कुल नहीं, कोई ये भाईगिरी नहीं है फिल्म में, कोई इट्स अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट इंडियंस, इट्स अबाउट फोर पेट्रियट्स जो जाते हैं अंदर टू ब्रिंग बैक इंडिया मोस्ट वांटेड.